व्हाट्सअप गाइस वन अवे आज मिलेंगे एक और बहुत ही कमाल की तरफ जो कि है हमारा सैमसंग का टीवी। तो दोस्तों ये जो पीछे हमारा टीवी है सैमसंग है, मॉडल है AU8000। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी टीवी की वो था हमारा शाओमी का 50 इंच का टीवी और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा तो उसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा। और उसके बाद हमने ये टीवी लिया है और बताना चाहूँगा शाओमी और सैमसंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। जी हाँ, पैसे का भी डिफरेंस होता है पर अगर आपको बहुत ज़्यादा रिलायबल और मोस्टली ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा टाइम चलने वाला अगर आपको टीवी चाहिए हो और साथ ही साथ पिक्चर क्वालिटी का भी काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। मैं बताया था 70 और 30 का फर्क होता है। अगर आप शाओमी अगर 30 है तो सैमसंग आपको 70 लगेगा। इतना ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी के अंदर फर्क होता है। मेन तो यही होता है स्क्रीन मोटी हो पतली हो स्क्रीन के अंदर बेजल हो ना हो ये सब ज़्यादा मैटर नहीं करते। मेन जो होती है पिक्चर की क्वालिटी होती है, इसलिए सैमसंग जो है काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। अगर आपका बजट ज़्यादा हो तो डेफिनेटली आप सैमसंग का टीवी ले सकते हैं, शाओमी को आप छोड़ सकते हैं। तो ये वाला जो स्क्रीन है हमारी 55 इंच की है तो इसके अंदर काफ़ी सारे वेरिएशन आते हैं, 43 इंच से लेके 85 इंच तक आता है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। इससे पहले जो हमारा मॉडल था वो था हमारा TU8000। तो एक्चुअली मैं शोरूम पे तो वही लेने गया था पर वो वाला मॉडल काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, पर वो थोड़ा सा आई थिंक ऑलमोस्ट 7-8 महीने पुराने हमारे किसी फ्रेंड ने लिया था, वो उसने लिया था 52,000 रुपये का। तो मैं जब शोरूम पे गया लेने के लिए तो भैया उन्होंने बोला ये वाला मॉडल है और इसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। एटलीस्ट ये मॉडल जो है 15,000 रेट उसका ज़्यादा, ये मुझे पड़ा है 67,000 रुपीज़ का। आपको 65 से 70 के आसपास मिल जाएगा, डिपेंड करता है आपको क्या डिस्काउंट मिलता है और कितनी आप जो है अपनी जो है स्किल से अपना जो है दुकानदार से और भैया मांडवाली आप करवा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इसके अंदर 43 इंच से लेकर 85 इंच तक के स्क्रीन आती है तो उसके प्राइस अगर मैं बताऊं तो आपको ऑलमोस्ट 50,000 रुपये से लेके 5,00,000 तक का आपको 85 इंच तक का पड़ जाएगा। तो जौन सा आपका बजट है, जौन सी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपना टीवी जो है बाय कर लीजिए। ये मॉडल जैसे कि बताया था हमारा 55 इंच का है। तो जो मैं बताना चाहता हूँ पुराने वाले मॉडल में जो TU8000 था उसमें क्या हमारा डिफरेंस था, जो 2-4 डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक तो ये थोड़ा सा फास्ट है, इसका सॉफ्टवेयर जो है थोड़ा सा बेटर है। दूसरा जो है इसके जो स्क्रीन जो है वो पतली है। तो जितनी आपको स्क्रीन जो है पतली आपकी स्क्रीन जो होती जाएगी टीवी की उतना जो आपका प्राइस जो है बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि LG वगैरह के भी काफ़ी ज़्यादा मॉडल आते हैं, सैमसंग के भी आते हैं, एकदम पेपर के टाइप के होते हैं, वो स्क्रीन जो है बहुत ही ज़्यादा लाखों के बजट के अंदर होती है। तो आइए इस टीवी को चला के देखते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमारे फीचर्स हैं। तो ये इसका रिमोट मिलता है हमें साथ में और इसके अंदर हमें AA के दो पतले वाले जो सेल होते हैं वो यहाँ लगते हैं। तो ब्लूटूथ से आपका ये पेयर होता है। तो आइए इसके बटन्स की बात करते हैं। तो ये हमारा पावर का बटन हो गया, ये 1-2-3 बटन हमारा होता है कि जैसे कि आप अपना सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट करते हैं तो आपका जो चैनल नंबर होता है इससे आप दबा के चेंज कर सकते हैं। ये हमारा वॉइस कमांड का है, अगर आप बटन दबाएंगे तो आप बोलेंगे तो वो जो है टीवी के अंदर आ जाएगा। ये 4 कलर वाला ऑप्शन मुझे समझ नहीं आया, मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, मुझे इसका जेन्युइन आंसर नहीं समझ आया। कई लोग कहते हैं ये कोई ऐप्स को कंट्रोल करने के लिए होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं या फिर कोई लेटर्स वगैरह के लिए होता है। तो अगर किसी को पता हो इस बटन के बारे में 100% तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। ये हमारा ऊपर नीचे करने का है, ये अंदर से प्ले पॉज ओके करने का है, जॉयस्टिक है हमारी, ये बैक करने का, ये होम बटन है, ये प्ले पॉज है। तो यहाँ देखेंगे वॉल्यूम के लिए, अप डाउन के लिए आपको ऐसे और ऐसे करना है, ये देखिए इससे अप होगी और इसको नीचे करूँगा तो ऐसे कोई बटन नहीं है। और ये चैनल चेंज करने के लिए है, इस पर आप ऐसे कर सकते हैं। आप देखेंगे म्यूट का बटन इसके ऊपर नहीं है, जब आप ये प्लस और माइनस वाले बटन को दबाते हैं तो आपका म्यूट हो जाता है। साथ ही साथ डेडिकेटेड बटन भी दे रखे हैं नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो और सैमसंग के टीवी के, जो सैमसंग की खाली जो हमें चैनल दिखाए थे आपको वो इससे आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए अपने टीवी को अब हम स्टार्ट करते हैं और जब भी आप फर्स्ट टाइम जब भी स्टार्ट करेंगे तो आपको रिमोट के पेयर का ऑप्शन आएगा, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपको पेयर करना। फिर आपको अपने वाईफाई की सेटिंग होगी, अगर आपके घर में वाईफाई लगा है तो आप वाईफाई से चला सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके बेसिक चीज़ें हैं वो आएंगी। ये मैंने ऑलरेडी सब कुछ कनेक्ट कर रखा है। ये हमें इसके साथ रिमोट मिलता है जो कि ब्लूटूथ रिमोट है हमारा। और अगर हम देखें तो सबसे पहले शुरू करेंगे अपने होम बटन से
और होम बटन अगर मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा होम के सारे फीचर्स आएंगे, जो जो आपकी एप्स हैं, अपने शॉर्टकट अगर जो भी लगा रखा है आपने, तो अगर आपको कोई भी ऐप रेगुलरली आप देखते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, हॉटस्टार हो गया, यूट्यूब हो गया, तो वह आप शॉर्टकट यहाँ पे लगा सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो जैसे ही अगर हमें अमेजोन प्राइम चलाना है तो मैं यहाँ पे प्राइम का बटन दबाऊंगा और हमारा अमेजोन प्राइम आ जाएगा। तो इस टीवी के अंदर आप अपना 4K T4K वीडियो क्वालिटी के अंदर चीज़ें देख सकते हैं। तो अगर आपका इंटरनेट सपोर्ट करता है अच्छी खासी स्पीड, तो आप जो है 4K वीडियोस भी देख सकते हैं YouTube पे, Netflix पे और Amazon पे, जो जो हमारी चीज़ें आती हैं, ये सब आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे। फिर से हम होम स्क्रीन के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो ऑलरेडी Samsung का, अगर आपके पास कोई भी टीवी नहीं है, टाटा स्काई, डिश टीवी या कुछ भी नहीं है, तो भी आप देख सकते हैं, बस आपको इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे Samsung का टीवी प्लस जो है यहाँ पे हमारा चैनल है, और इसके अंदर कई सारे चैनल्स आते हैं, आप जो है वो वाले सारे चैनल अपनी मर्जी से देखते हैं। मोस्टली सारे चैनल जो हमारे इंग्लिश में ही होते हैं, पर फिर भी अगर आपको रैंडमली कुछ देखना हो तो भी आप वो सब देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिपब्लिक न्यूज़ है, वो भी आप जो है देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, सैमसंग की तरफ से होता है, पूरी की पूरी जो होती है फ्री होती है। अब हम जाएंगे यहाँ पे और अलग अलग चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ हम जाते हैं एम्बियंस मोड के अंदर। तो एम्बियंस मोड हमारा क्या होता है कि एक जो है हमारा एकदम पेंटिंग या वॉलपेपर तरीके से बन जाता है, जैसा कि मैं आपको खोल के अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन जो है हमारी ब्राइट नहीं होगी। कई लोगों को लगा कि हमारी स्क्रीन में कोई दिक्कत आ गई है, पर अगर आप असली पेंटिंग देखते हैं तो असली पेंटिंग जो हमारी होती है वो एकदम ब्लैक एंड वाइट डल होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपनी मर्जी से खुद चूज़ कर सकते हैं जो भी आप चाहें। तो जैसे कि मैं आर्टवर्क को चूज़ करता हूँ और मुझे जैसे कि ये वाली चाहिए, तो यहाँ एम्बियन एक तरह से पेंटिंग की तरह हो जाएगी। तो ये अभी डाउनलोड कर रहा है कंटेंट को, मैं जो ऑलरेडी डाउनलोड हो रखी है वो भी आपको दिखा सकता हूँ, वरना आपको इंटरनेट की ज़रूरत चाहिए हर चीज़ के लिए। तो एक तरह से आपका वॉलपेपर या एक तरह से पेंटिंग आप लगा सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको दो चार और करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड के अंदर और सिनेमाग्राफ ये भी कर सकते हैं, अगर जैसे कि हमारे घर में ऑलरेडी नीचे फायरप्लेस लगी हुई है, अगर आपके यहाँ फायरप्लेस नहीं है तो आप यहाँ ऑलरेडी एक फायरप्लेस का आप जो है मज़ा उठा सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, मैं लाइट जो है थोड़ी बंद कर देता हूँ, क्या देखेंगे लाइट बंद कर देता हूँ, बिल्कुल अगर आपका रूम जो है डार्क होगा तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा एंबियंस आपको लगेगा। इसको हम कर देते हैं बंद। और भी कई सारे तरीके हैं, सिनेमाग्राफ, वॉलपेपर वगैरह जो आप चाहें वो अपनी मर्जी से यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये वाला मोड से हम जाते हैं बैक और दूसरी चीज देखते हैं कि हम क्या लगा सकते हैं इससे एग्जिट हो जाते हैं। भाई एग्जिट कहाँ से होगा, तो या होम बटन दबाने से आप जो है एग्जिट हो जाते हैं। और यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट मोड, हमारी ऐप्स के अंदर जाते हैं। तो ऐप्स के अंदर वही जगह, जैसे कि आप जो ये हमारा एंड्रॉयड टीवी नहीं है, ये हमारा स्मार्ट टीवी है, तो इसके अंदर हमारी सारी की सारी एंड्रॉयड की ऐप्स नहीं चलती, कुछ स्पेसिफिक ऐप्स चलती हैं जौन सी आपको मेनली ज़रूरत होती है, वॉलेट डाल सकते हैं। एंड्रॉयड टीवी में क्या होता है, आप कोई सी भी ऐप डाल सकते हैं, पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता। तो सैमसंग का डेडिकेटेड स्टोर है, उसके अंदर आपको अपना आईडी बनाना पड़ेगा पहली बार, फिर उसके अंदर जाके आप जो है अपनी ऐप्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए सैमसंग का स्टोर है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हॉटस्टार, प्राइम वगैरह लगा रखा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी ऐप्स को शॉर्टकट में भी डाल सकते हैं। क्या देखेंगे हमारा बैक, मैं बैक करके दिखाता हूँ। तो ऊपर हमारा यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, अपने जॉयस्टिक से ऊपर जाके यहाँ सेटिंग पे जा सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारी मेमोरी भी लिखी हुई है, 2.4 GB हमारी यूज़ हो रखी है और 1.4 GB, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 4 GB हमें मिलती है, ऑलमोस्ट आधी तो हमारी जो है क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट जो है सॉफ्टवेयर वो ही खा लेता है, फिर भी काफ़ी सारी आपके पास जगह बनती है, फिर आप जो अपनी ऐप जो है डाल सकते हैं। तो यहाँ हम बैक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अपनी ऐप्स को शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद है ऐप, तो यहाँ पे देखेगा ऐड टू होम, जो ऐप पे मैं क्लिक करूँगा तो वो हमारी होम स्क्रीन के अंदर आ जाएगी, अलग अलग ऐप्स हैं। साथ ही साथ अगर मैं बैक करता हूँ और ऊपर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, तो सर्च के अंदर आप चाहें तो जो आपको ऐप चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे आज तक की भी हमारी ऐप है, यहाँ पे क्लिक करूंगा
यहाँ पे आप इंस्टॉल अगर करेंगे तो आपकी आज तक की ऐप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। आइए और फीचर देखते हैं, इस तरीके से आप अपनी ऐप्स को डाल सकते हैं। साथ ही साथ फिर से जाते हैं हमारे फीचर्स के अंदर, तो ये सर्च है आपका जो भी पीसी जो भी स्क्रीन टीवी के अंदर आप सर्च करना चाहें यहाँ से आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। आपको कहीं भी सर्च करना हो, कोई मूवी सर्च करनी हो या कोई गाना सर्च कर रहा हो, यहाँ पे आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसको कर देते हैं बैक पे। फिर हमारा आता है यहाँ पे सोर्स का बटन, तो सोर्स वही हो गया आपकी टीवी से क्या क्या कनेक्टेड है, आपके अगर प्ले स्टेशन हो गया या आपके अगर होम थिएटर हो गया या कुछ भी हो गया, टाटा स्काई वगैरह हो गया, तो वो सब जो है यहाँ पे आपके आ जाएंगे। या यू पेन ड्राइव हो गई, वो भी आप यहीं पे देख सकते हैं। यहाँ से हम देखे आएंगे तो मेरा अभी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा, खाली टीवी कनेक्टेड है तो यहाँ पे इसे सब चीज़ें दिखा रहा है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो भी आपको चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग के अंदर यहाँ जाके मैनुअल है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप पढ़ सकते हैं। पिक्चर का मोड है, ये शॉर्टकट्स हैं हमारे अलग अलग जो स्क्रीन का जो है मोड जो है। अगर मैं लाइट आपको बंद करके दिखाता हूँ तो यहाँ आपको थोड़ा सा जो है स्क्रीन की क्वालिटी जो है वो चेंज, ब्राइटनेस वगैरह हो जाएगी। ये हमारा साउंड का मोड है, एम्पलीफाई मोड पे है, इसके अंदर तीन मोड आते हैं। ये सारे शॉर्टकट्स हैं, वरना आप सेटिंग के अंदर जाके भी इसको आप चेंज कर सकते हैं। टीवी का स्पीकर है तो मैं आपको सेटिंग्स के अंदर जाके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा बेटर लगेगा। तो ये हमारे मेन सेटिंग का जो मोड आ गया है। पिक्चर की क्वालिटी आप अलग तरीके से यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमारा अभी डायनामिक मोड में है। फिर आपका पिक्चर का साइज़ है, आप अपनी मैनुअल चेंज कर सकते हैं जो भी आपका पिक्चर का साइज़ आपको चाहिए। फिर नीचे चलते हैं साउंड के अंदर, तो अगर आपका डिफ़ॉल्ट टीवी से कनेक्टेड है तो वो भी सही है, आपका ब्लूटूथ से कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा साउंड बार, अलग अलग जो भी होंगे वो आप यहाँ पे अपने क्रिएट कर सकते हैं। और फिर हम चलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मोड पे, तो ये आपका जो है टाटा स्काई वगैरह अगर आपके यहाँ चल रहा हो तो आपको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जनरल मोड है हमारा, एक्सेसिबिलिटी होगी, वॉइस होगी, तो इसके अंदर आपकी अलग अलग वॉइस कमांड ले सकते हैं। गूगल का वॉइस सपोर्ट है, एलेक्सा का भी वॉइस सपोर्ट है, तो मेरे पास ऑलरेडी अमेज़ॉन एलेक्सा है, इसकी मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वरना वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसके अंदर अमेज़ॉन एलेक्सा और गूगल आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, वरना इसका सैमसंग का खुद का बिक्सी बटन होता है जो कि यहाँ पे हमारा ऊपर माइक का बटन है, इसको आप दबाएंगे तो जो भी आप बोलेंगे वो यहाँ पे जो है चल जाएगा। फिर हम करते हैं बैक, और यहाँ पे नेटवर्क की सेटिंग है, अगर आपको वाईफाई से कनेक्ट करना हो तो यहाँ पे अपना जो है वाईफाई यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपके घर में अलग अलग वाईफाई होंगे तो आप पूछेगा आपका फ़ोन से आपको कनेक्ट करना है, वायर से कनेक्टेड है या फिर वायरलेस है वाईफाई वाला, तो जो आपको चूज़ करना है वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। इसको कर देते हैं हम बैक। फिर एक्सटर्नल डिवाइस मैनेजर, अगर आपने कोई पोर्टेबल हार्ड ड्राइव या लगा रखी है, HDMI से म्यूजिक चला रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। ये एप्पल की सेटिंग्स है, जिसके बाद एप्पल का टीवी हो वो कर सकते हैं। पावर की सेटिंग्स है ताकि आपकी बैटरी और स्क्रीन जो है ज़्यादा बिजली ना खाए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड्स हैं, यहाँ पे अपने मोड चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट फीचर्स हैं, ये भी अपने लिए, मैंने कभी यूज़ करा नहीं है तो आपके कुछ काम आएगा नहीं। और जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे इसको कुछ काम का आता नहीं, आप ऑटोमेटिक अपडेट पे भी लगा सकते हैं, आपका टीवी का सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे आप अपडेट जो है कर सकते हैं। ये हमारे जो सेटिंग्स हो गई, और हम यहाँ पे बैक पे जाके देखते हैं तो एक और चीज़ बताऊँगा, यहाँ पे हमारा देखेंगे नीचे के ऑप्शन भी है एलेक्सा और यहाँ पे गूगल का। अगर आपके घर में अमेज़ॉन एलेक्सा है या गूगल होम है और नहीं भी है तो भी आप फ़ोन के अंदर ऐप डाल के भी चला सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे चलेगा। तो अगर मैं इसके बटन को दबाता हूँ Amazon Prime, तो अगर मैं Amazon Prime बोलूंगा तो आई थिंक Amazon Prime जो है यहाँ पे शायद खुल जानी चाहिए। अब खुल जा भाई, ओपन Amazon Prime। ये देखिए Amazon Prime हमारा खुल गया है, वॉल्यूम काफ़ी लो थी, अगर मैं इससे बात करूंगा तो एलेक्सा की तरह बात भी कर सकती है, तो मैं टीवी की वॉल्यूम जो है थोड़ी सी तेज कर देता हूँ। ये हमारी 18 पे है, ये 100 वॉल्यूम तक जा सकती है, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम है। स्पीकर जो है हमारे नीचे से साउंड आती है यहाँ से, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कई टीवी के अंदर पीछे स्पीकर होता है तो जो है साउंड अच्छी सी नहीं आती, तो यहाँ नीचे है तो आपका जो है काम चल सकता है अच्छे से। यहाँ अगर मैं आपको बोलता हूँ एलेक्सा से, हम इसमें बात करके भी आपको दिखा सकता हूँ।
Hello Alexa, how are you? I'm doing fine. Thanks for asking. तो आप देखेंगे Amazon Alexa भी हमारी यहाँ पे चल रही है। तो आइए आपको एक बार मैं 4K पिक्चर क्वालिटी इसकी दिखाया तो ये मैं YouTube पे चलाऊंगा, तो ज़्यादा देर में नहीं चलाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट इशू हो सकता है, और साथ ही साथ इसके बाद मैं चलाऊंगा म्यूज़िक की, तो वो भी आप देख सकते हैं कि म्यूज़िक आपको साउंड क्वालिटी कैसी आती है। और रूम की एकदम लाइट मैं बंद कर दूंगा तो कि अंधेरे में पिक्चर क्वालिटी का असली ज़्यादा जो होता है पता चलता है। आइए अपनी वीडियो को प्ले करके देखते हैं। ये मैंने वीडियो चलाई है और ये हमने कर दी है लाइट को बंद और इस कर्वे अपना कर देते हैं स्किप। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं फॉरवर्ड। और ये मैं 4K चल रही है तो 4K के लिए आपको इंटरनेट काफ़ी अच्छा चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी जो है क्वालिटी आ रही है पिक्चर की। थोड़ा सा मैं और आपको फॉरवर्ड करके भी दिखा सकता हूँ। आप देखेंगे पिक्चर की क्वालिटी है हमारी 4K में आ रही है, 2160p है। आप अपनी सेटिंग कुछ भी चूज कर सकते हैं अगर आपको जो भी चाहिए। एक बार फिर से प्ले करके दिखाता हूँ, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। यही फ़र्क होता है एक लोकल टीवी और एक ब्रांडेड टीवी के अंदर। मैं इसको कर देता हूँ बैक। आइए एक म्यूज़िक इसके अंदर चला के देखते हैं। तो ये हमने अपना यूट्यूब खोल लिया, यहाँ पे भी हम अपना ऑडियो माइक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जाएंगे सर्च के अंदर, और सर्च के अंदर ये जो माइक का ऑप्शन है इस पर हम गोला दबाएंगे और यहाँ पे बोलेगा बटन दबाइए अपने माइक का, कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक। तो जो भी आप बोलेंगे यहाँ पे वो सर्च हो जाएगा। आइए एक गाना चला के देखते हैं, कोई बढ़िया सा जो हमने शायद कभी नहीं सुना हो, म्यूजिक फॉर लव। अरे क्या ये वाला गाना हम चला के देख सकते हैं। तो वॉल्यूम मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं करूंगा। हमने चलाया है, वॉल्यूम इसकी 100 तक जाती है, पर वो ऑडियो के अंदर कोई फर्क पता चलेगा नहीं। काफी अच्छी आवाज है, ऐसी नहीं कि काफी लो है। अगर आपको बहुत अच्छी चाहिए तो आपको साउंड बार या कुछ होम थिएटर टाइप कुछ लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा सैमसंग का AU8055 इंच का टीवी। आई थिंक काफी अच्छी क्वालिटी है, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। अगर आप चाहें तो आप Xiaomi के भी OLED टीवी आने लग गए हैं, पर उनसे भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और उनका प्राइस भी काफ़ी 50 से 60 हज़ार के आसपास है। तो क्यों अपने पैसे बर्बाद करने, सैमसंग का आप जो है टीवी लीजिए, आपके सालों साल चलेगा और पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ही कमाल की है। तो एक मैंने एक और एम्बियंस मोड लगा रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम पेंटिंग वाली फील आ रही है। इनके घर में टीवी के फ्रेम जो लगे होते हैं एकदम दीवार के अंदर, तो उसके अंदर आपका पता ही नहीं चलेगा कि टीवी लगा है या फिर आपने कोई पेंटिंग लगा रखी है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अगर आपको ये टीवी करना हो तो वीडियो में नीचे लिंक है, वहाँ से आप अमेज़न से बाय कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।